डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले दिन हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला पढ़े थे। पी बाई एच, बी बाई एच, ऐसा करके कुछ फार्मूला था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका यूज कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने ये फार्मूला को पढ़ा था सिर्फ, लेकिन यूज नहीं देखा था। चलिए आज हम लोग यूज देख लेते हैं, कैसे इसका यूज करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। यहां पे थीटा है, ठीक है, और इसके सामने ये पी है, इसके सामने क्या है, पी है, और ये एच है, और ये बी है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस त्रिभुज में लंब है, नीचे आधार है और इधर कर्ण है। अब देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक थीटा एंगल दिया हुआ है, और यहां पे तो आप समझ पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, ठीक है। और इस 90 डिग्री एंगल में ये हमें थीटा दिया हुआ है, और इस थीटा में आप देख पा रहे होंगे कि हमें दिया है, इसका वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। हमें यहां से बोल रहा है कि आप सब ऑल सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकालना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहां से हम लोग निकालेंगे कैसे। अब बात रहा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो सभी त्रिकोणमिति में कौन कौन सा आता है, तो वही ना 6 आता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो ये हम लोग को आता है। तो यहां से बोल रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब कि साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। देख पा रहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब बात रहा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बाई एच। तो पहले आपको थीटा देखना पड़ेगा, तो थीटा के सामने वाला होता है पी, ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का बी, और ये हो गया हम लोगों का एच, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एच। तो सबका फार्मूला अगर याद है, आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा का फार्मूला कितना होता है। साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बट्टा में एच। इसीलिए दोस्तों साइन थीटा का सामने पी है 4 सेंटीमीटर, बट्टा एच कितना है 5 सेंटीमीटर, 4/5। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए आपको, बी बट्टा एच। तो बी कितना है इसमें, बी का वैल्यू 3 है और एच का वैल्यू 5 है, तो इसका कोस थीटा का मान हो जाएगा 3/5। टेन थीटा का फार्मूला याद रखिए, टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा बी, तो पी का मान कितना 4 और बी का मान कितना 3, तो 3 हम लोग करेंगे। उसी तरीके से कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना चाहिए आपको कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, एच बाई पी,
तो इस त्रिभुज में एच का मान कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4, तो कॉसेक थीटा का मान हो गया 5/4। सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच बटा में बी, तो एच का मान कितना, तो एच का मान 5 सेंटीमीटर और बी का मान 3 सेंटीमीटर, तो 5/3 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी होता है, तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, मतलब बी बाई पी। ठीक है, और बी कितना 3 सेंटीमीटर, पी कितना 4 सेंटीमीटर, तो 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/4। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, इसी तरीके का इसका यूज करते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको लंब, आधार और कर्ण तीनों पता चल गया तभी हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी त्रिकोणमितीय निकालने के लिए आपको त्रिभुज में तीनों भुजा पता होना चाहिए, आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको क्या करना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कब निकालना है, तो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप खुद से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे देख पा रहेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे इस बार हम लोगों को थीटा दिया है दोस्तों, तब आपको बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। आपको काम ये खुद करना है, आप खुद समझिए कि हम बताए हैं कि जहां पे थीटा दे देगा इसके सामने वाला पी का मान हो गया 5 और ये सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण h/13 और ये हो जाएगा हम लोगों का बी, क्योंकि ये हो जाएगा सामने वाला पी। जहां पे थीटा दिया रहेगा उसके सामने वाला क्या कहलाता है, पी कहलाता है। तो पी का मान हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो कहने का मेरा मतलब कि किसी भी त्रिभुज में पी, बी और एच, ठीक है, पी, बी और एच हम लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे और आपको सवाल बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को निकालना है। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब वही 6 गो होता है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इसका वैल्यू जो है आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये बोल रहा है कि इस बार जो क्वेश्चन है आपको ऐसा करके क्वेश्चन है भाई, आपको जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, यहां पे आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ये है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे आपको अब की बार थीटा दिया है, यहां पे 90 डिग्री है। सवाल में बस यही आपको दिया है, एक समकोण त्रिभुज भी है देख पा रहे होंगे, यहां पे थीटा दिया है और अब जाके सवाल बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से पहले दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब साइन थीटा का भी मान पूछ रहा है, कॉस थीटा का भी मान पूछ रहा है, टैन थीटा का भी मान पूछ रहा है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोट सबका मान पूछ रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर सबका त्रिकोणमितीय अनुपात हमको चाहिए तो त्रिभुज के तीनों भुजा पता होना चाहिए। अब त्रिभुज के तीनों भुजा में से तो सवाल में हमको 2 को भुजा दिया है,
8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब तो मामला गड़बड़ है, हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तब ना निकालेंगे जब P का मान रहेगा, B का मान रहेगा और H का मान रहेगा, क्योंकि P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, ये सब करके फार्मूला होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया है। तो थीटा के सामने P होता है, तो P का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, और H का मान ऑलरेडी सबसे बड़ी भुजा हो गया 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे B नहीं दिया है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पाइथागोरस वाला फार्मूला से B का हम फार्मूला दिए हैं दोस्तों, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको यहां पे B निकालना है। तो रूट अंडर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब 10, 10 का क्या करना है स्क्वायर, माइनस पी का स्क्वायर, पी का मतलब 8, 8 का करना है स्क्वायर। क्या होगा भाई, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64, और 100 में से 64 गया तो 36, और 36 का वर्गमूल 6। इसलिए अब पता चल गया कि ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें से दो भुजा दिया है तो आपको तीसरी भुजा पता कर लेना है। जब तीनों भुजा पता हो गया अब जाके आप जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए, जैसे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का, समझ रहे ना। यानी कि कभी कभी ऐसा देता है कि दो ही वो भुजा देगा और तीसरी भुजा नहीं देगा, तो तीसरी भुजा आपको निकालना पड़ेगा, ये बात पक्का है। अगर ये नहीं देता तो थीटा के सामने पी होता तो पी का मान निकालना होता, और ये कोई ना कोई दो को भुजा दिया रहेगा। तो इसका भी अधूरा हम सॉल्यूशन कर दिए हैं। इसके बाद आप जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। अब की बार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पूछ रहा होगा क्वेश्चन में, अब की क्या पूछ रहा होगा, अभी हमसे पूछ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर, जैसे मान लिया अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहां पे 90 डिग्री है। अब यहां पे हम लोगों को थीटा दिया है, ठीक है, और इसके बाद हमें यहां पे कितना वैल्यू दिया है, तो यहां पे आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और यहां पे आपको 4 सेंटीमीटर दिया है। ये बात तो पक्का है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। अब आपको सवाल बोल रहा है कि अब आप साइन थीटा का मान निकालिए, टैन थीटा का मान निकालिए, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालिए, यही तीन को वैल्यू हमको बताइए, सब त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बताइए। देखिए सवाल कैसे बदल गया, एक त्रिभुज दे दिया, इस त्रिभुज में कोई भी दो को भुजा दिया हुआ है, और फिर हमें साइन थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों भुजा को मालूम कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों भुजा को मालूम करने के लिए, ये थीटा है, थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, तो इसका मान तो नहीं दिया है, तो यहां लिखिएगा कि पी का वैल्यू नहीं पता है व्हाट, और ये जब पी हो गया तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, एच का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा बी, क्योंकि त्रिभुज में तीन ही भुजा ना होते हैं, पी होता है, बी होता है और एच होता है, बी का वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। तो यहां से पी का फार्मूला, पी का सूत्र आपको बताया है, उसका यूज करके आप पी निकाल लीजिए, और जब पी निकल गया तो अब साइन थीटा नहीं निकलेगा, साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा एच, तो पी का मान जितना आएगा उतना बटा एच, और टैन थीटा पी बटा बी, कोसेक थीटा एच बटा पी, मतलब कि
आपको क्या करना है, ये सब फार्मूला याद रहना चाहिए और इधर से आपको समझिए कि क्या चीजें घट रहा है। तो यहां से हमें पी घट रहा है और पी निकालेंगे तो फायदा कहां होगा, तो ये साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो पी का मान निकालिएगा तभी ना पी बटा एच रखिएगा। एच का तो वैल्यू 5 दिया है लेकिन पी का मान नहीं दिया। तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करेंगे, हम आपको समझा दिए हैं, पी का मान निकालिएगा और यही तीनों का सवाल में पूछ रहा है तो यही तीनों का निकालिएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। फिर सवाल क्या बोल रहा होगा जरा देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अलग अलग क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। अब अगला क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन अगला है, यदि साइन थीटा का वैल्यू अगर 5/13 दिया है, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 5/13, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सेक ही लिख लो, सेक थीटा का मान ज्ञात करें। इस टाइप का भी सवाल आ सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कोई फिगर नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर इतना तो कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का मान ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले सबका मान ज्ञात करने के लिए हमको तो तीन चीज जरूरी है, क्योंकि हम लोग सबका फार्मूला में पी और बी और एच यही तीनों का ना इस्तेमाल हुआ है, किसी में पी बटा बी तो किसी में बी बटा एच, किसी में एच बटा पी, किसी में पी बटा एच, किसी में बी बाई पी, मैंने तीन ही चीज का ना इधर उधर घुमाया हुआ है और हम लोग फार्मूला में उसको शामिल किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को तीन चीज जरूरी है, किसी का भी मान निकालने के लिए बोले, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले, चाहे किसी खास का दे दे कि आपको साइन थीटा का मान निकालना है, आपको टेन थीटा का मान निकालना है, आपको कॉट थीटा का मान निकालना है, फिक्स कर दे या फिर बोल दे कि सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों हम लोगों को तीन चीज तो जरूरी है, अब तीन चीज आपको कहीं से भी इस्तेमाल करना है, ठीक है, पी बी और एच। आपको जो सवाल दिया है उसी का ना कवरिंग करके आप जो है तीसरा चीज निकालेंगे। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहां पे लिखिएगा, दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा का फार्मूला हमको पता है पी बटा एच। साइन थीटा का फार्मूला कितना, पी बटा एच बराबर में 5/13। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, यहां से आपको पता चल गया यहां कि P के सामने क्या है 5, तो P का मान हो गया 5, H के नीचे क्या है 13, तो H बराबर हो गया 13, ठीक है। तो जब P पता हो गया, H पता हो गया, तो घट क्या रहा है B, यानी B का मान निकालना है। दोस्तों आपको क्या करना है, B का मान निकालना है, तो B के लिए हम फार्मूला दे चुके हैं कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर का मान है कितना, एच का मान कितना होता है, तो एच का मान होता है हम लोगों का 13, देख लीजिए 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान है, पी का मान 5, तो यहां पे 5 का स्क्वायर, तो इस तरीके से 169 में से और 25 घटाइए तो 144, तो आंसर हो गया पी का वैल्यू कितना 12। तो जब पी का मान, बी का मान और एच का मान अगर पता चल गया तो अब चाहे कुछ का वैल्यू पूछ दे, हमको कोची कोची का मान निकालना है कॉस थीटा का, तो अब यहां लिखेंगे, अब कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो बी कितना है, बी का आंसर आया हम लोग को 12 और एच कितना, एच आया 13, तो 12/13। फिर कोची का मान निकालना है टेन थीटा, तो दोस्तों फार्मूला याद रहना चाहिए, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटा पी, तो पी का मान कितना, पी का मान
5 और b का मान 12, तो 5/12। फिर sec थीटा का फार्मूला क्या होता है? sec थीटा का फार्मूला होता है h बटा में बी। तो इस तरीके से h का मान कितना आया हम लोगों का? 15 दिया हुआ है, और b का मान दिया हुआ है हम लोगों का 12, तो यहां हो जाएगा 13/12। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग किसी का भी मान पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, आराम से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब आपको कैसा कैसा क्वेश्चन मिलेगा, जरा दो चार क्वेश्चन आपको देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं ना उसको आपको पूरी तरीके से बनाना है, ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन दे रहे इसको भी बनाना है। यदि sec थीटा इज इक्वल टू 10/8, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सवाल समझिए क्या बोलता है। हमें sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और सभी त्रिकोणमितीय, तो सभी माने क्या, वो सभी 6 गो, और 6 गो में तो 1 गो के मान दे दिया है, तो इसको छोड़िएगा ना, बाकी 5 गो निकालेंगे, साइन कोस टेन कोट और कोसेक, क्योंकि sec का तो मान दे दिया है, टोटल 6 गो होता है, जेकरा हम 1 गो के दे दिया, तो इसको छोड़कर ना 5 गो आंसर करेंगे हम लोग, यानी 5 गो के मान यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जिसमें sec थीटा का वैल्यू दिया है 10/8, तो आप इससे निकाल लीजिएगा तीन चीज, पी बी और एच जरूरी है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि कोची कोची का मान दिया हुआ है और कौची घट रहे हैं। चलिए अगले तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 2√2/3, तो sin थीटा और sec थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहां पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, यहां पे हम लोगों को थीटा है, ठीक है, यहां पे 2 सेंटीमीटर नहीं है, 2√2 सेंटीमीटर कर देते हैं, 2√2 सेंटीमीटर है, यहां पे 90 डिग्री है, तो यहां पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है। देखिए अब यहां पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब 6 चीजें निकालना है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आज जो दिए हैं, आप इन चीजों को पूरी तरीके से आप बनाकर हमें भेजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आया है, और फिर हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप इन चीजों को सीख गए हैं तो अब हम लोगों को एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल 6 गो फॉर्मूला जरूरी है, साइन थीटा का कॉस थीटा का माने 6, और उसके साथ साथ पी का बी का और एच का, ये तीनों जरूरी है, और बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तो आज जितना दिया है क्वेश्चन को आप उसको सॉल्यूशन कीजिए, और अगले दिन हम लोग 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।